जैसे मेरे पास डेट है और डेट मेरा पूरे एक साल का या एक साल से ज्यादा का भी हो सकता है। ओके, और यह हमारा सेल्स है और मैं सेल्स में क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा डेटा क्या हम दिखा पाएंगे एक चार्ट के ऊपर? क्या जाहिर सी बात हम नहीं दिखा पाएंगे, तो हमने क्या किया कि एक 10 का रेंज दे दिया, 10 का रेंज दे दिया। नीरज जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर, सुन रहे हैं। मैं अपने आप को म्यूट कर देती हूँ, आवाज आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने दिया कि डेट यहाँ पे दे दिया और डेट में मैंने यहाँ पे सेल्स दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे वन लिख दिया और ऑफसेट की मदद से हमने इसको सिलेक्ट किया और कॉमा इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा 0 कर दिया। अब इसको नीचे हमें ड्रैग करना है तो हमें इसको F4 लगा के फिनिश कर देना। तो ये यार नीचे मैं 10 यहाँ पे कुछ ये कर देता हूँ, एक एक जून आगे, एक जैन आगे, 10 दिन तक का यहाँ 10, हाँ 10 का ही कर देता हूँ, 10 तक का हमने नीचे दे दिया। अब इसी को आगे हम ड्रैग कर देंगे, ये हमारा फील्ड रिकॉर्ड भी आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, लाइन चार्ट लगा दिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, लाइन चार्ट लगा। लगा दिया तो मैं जो थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ, ये 1 से लेकर 10 तक का ही दिखा रहा है ना क्या? अब मैं एक काम और करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इसके थोड़ा सा ये दे देता हूँ, अच्छा अच्छा फॉर्मेट दे देता हूँ और इसको क्लिक लिया, मैंने फॉर्मेट एक्सेस में गया और सबसे पहले जो इसका मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100 कर दिया ताकि ये बार बार ऊपर नीचे ना हो, ये फिक्स कर दिया। जरूरी है अब मुझे पूरा देखना है, मतलब कि मैं अपना प्ले प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो पूरा मुझे दिखे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेवलपर में गए, इंसर्ट किया एक मॉड्यूल्स को सब्जेक्ट और यहाँ पे हमने आधा दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ कि 4i इक्वल टू, चले i इक्वल टू चले 2 से, नहीं 1 से चले 1 2 रेंज, ये 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो और नेक्स्ट आई हमने कर दिया और हमने यहाँ पे दिखा कि रेंज कौन सा है, ये हमारा E3 वैल्यू इक्वल टू, अब देखिए क्या, अभी देखिए क्या होगा। हमने इस RR को रन किया तो कोई इफेक्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कुछ नहीं दिखा। तो यहां पे हमें एक काम करना हो रहा है कि 10 माइनस कर लेना होगा, 10 माइनस करना होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसमें ऊपर में डू इवेंट्स और नीचे भी डू इवेंट्स कर, ठीक है। अब मैं यहां और दिख गया,
हेलो आपको कि नहीं? हाँ हेलो सुन रहा हूँ, बोलिए ना। मैं सर सॉरी सर और एक बार थोड़ा कोड एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कुछ नहीं, हमने क्या किया हुआ है बताता हूँ आपको। हमने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर वन लिख दिया तो वन लिखते ही एक से लेके 10 तक आएगा। मैं टू लिखता हूँ तो ये आएगा 2 से लेके 11 तक। 3 लिखता हूँ तो ये आएगा 3 से लेके 12 तक। फोर लिखता हूँ तो 4 से लेके 20 तक आएगा। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे ऊपर का डेट घटता जाएगा और नीचे का डेट बढ़ता जाएगा। ये हमने ऑप्शन फॉर्मूला से लिया हुआ, राइट। और हमने लूप के अंदर बस ये बोला हुआ है कि एक से लेके कितना रो है, 432 है ना, 441 है। 441 में 10 कम कर दिया ताकि ये 10 हो, क्योंकि ब्लैंक जीरो ना है। उतने तक वन बाय उसमें नंबर डाले, वन डाले, टू डाले, थ्री डाले, फोर डाले, फाइव डाले, समझे, हाँ सिक्स डाले, सेवन डाले, इस तरह से। तो इसमें क्या था कि हमने जब डू नॉर्मली कोड लगा दिया यहाँ पे, अगर डू इवेंट को मैं हटा देता हूँ, डू इवेंट्स को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो क्या होता है कि आपको एक यही बताता है कि कर क्या रहा है। इसको रन कर दिया तो बैकग्राउंड में घूमेगा और नंबर चेंज करेगा, और ये एक वन बाय वन नहीं करेगा, देख रहे, एक बार दूसरा नंबर डाल देगा, लेकिन हाँ सीधा रिजल्ट दे दे रहा है। रिजल्ट दे रहा है। जैसे हम डू इवेंट्स लगाते हैं तो क्या होता है कि एक एक इवेंट को, मतलब कि जो वीवी के प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा स्लो कर देता है, और एक एक इवेंट को हमें यहाँ बताता है कि कैसे चल रहा है, देख रहे ना। हाँ यहाँ पे मान लीजिए आपने आपने एप्लीकेशन डॉट डेट कर दिया, फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो ये इवेंट आपको यहाँ पे शो टू इवेंट से ही करे। तो हाँ सर अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको स्लो करने के, और स्लो करने के लिए डू इवेंट्स को कई बार रिपीट कर देते हैं। अच्छा आप लोग बताइए कि क्या फर्क पड़ा है इससे, क्योंकि तो मुझे तो इसकी से कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखता है। तो फर्क इससे स्लो हुआ है, हल्का सा होता है बहुत सारे बार डू इवेंट लिख देते हैं, लेकिन मैं इसको फेवर में हूँ, मुझे दिखता है कि सेम ही चल रहा है। टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ सकता है, ऐसा हो पहले सकता इतना स्पीड में चल रहा था ना कि पूरा दिख नहीं रहा था, एक के बाद ही आप इतना सारा डाल दिए तो एक एक प्रॉपरली मतलब आ रहा है, दिख रहा है कि एक ठीक है। के बाद डू वेन का यूज करके आप जो है इस तरह से वन बाय वन इसको चला सकते हैं, वन बाय वन हाईलाइट आप डू इवेंट यूज कर सकते हैं अपने। और सब कुछ क्लियर है, डू इवेंट समझ में आ गया? हाँ सर। और किसी को, धीरज जी और बाकी लोग, कुंदन जी, विक्की जी, यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब एक बार चल जाएगा तब उसको पॉज या प्ले नहीं कर सकते ना, पॉज नहीं कर सकते ना, चल गया तो चल गया। तो यहाँ आपको एक पॉज बटन होता है, दिख रहा है आपको सर, एक पॉज बटन को लीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट पे आता हूँ और यहाँ पे हम प्ले स्लैश या भी दोनों दोनों भी लिख सकते हैं आप, अलग अलग हो जाएगा, उसके लिए कोड देना। तो अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो जाए, एक बार एक काम कर लीजिए, मैंने यहाँ पे एम एस जी बॉक्स के अंदर में मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे
C4 dot, इसको पुलअप बटन बोलते हैं, पुलअप बटन 1 dot van. तो क्या होता है जब इस पे मैं क्लिक करता हूँ, डिजाइन मोड से हटा देता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आता है ट्रू, क्लिक है इस पे क्लिक किया तो आया फॉल्स. तो अब मैं यहाँ यही पेज जो है जो कोड यहाँ लिखा हुआ है हमने इसमें, इसी कोड को मैं कॉपी करूँगा. कॉपी करने के बाद मैं सीट 4 के इवेंट में जाता हूं और इसको पेस्ट कर देता हूं. लेकिन इसमें हम यहां पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ सीट 4 1 सीट 4 तुलना बटन 1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू देन ये चले. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं प्ले पे क्लिक किया, वर्क कर रहा एक्चुअली सब मुझे एंड करना चाहिए, चल रहा है. अब इसमें एक चीज और है, जब मैं प्ले कर रहा हूं तो एक से स्टार्ट हो जा रहा है ना, तो यहां पे आपका कंडीशन देना होगा. रेंज की थी तो मैं हाँ वन में रेंज की थी से ठीक है. पच्चीस पे घटा छब्बीस, वही से स्टार्ट है ना, ये चीजें भी कर सकते हैं. सिंपल सा स्टेप था जो कि मैंने बताया, और उसमें लूप का यूज, डू इवेंट्स का यूज हमने बताया, और साथ में आपने सीखा कि तुलक बटन का क्या यूज होता है. तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ इसी तरह का मैजिक कीजिए. इसको इवेंट में लगा सकते हैं, जैसे सीट ओपन हो तो अपने आप चला जाए, या फिर किसी सेल पे क्लिक कर दे तो अपने आप उसका दिख जाए, इस तरह के इवेंट भी लगाया जा सकता है.
राइट सर, अतीत जी समझ में आया कि नहीं? जी हेलो, यस सर, या तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, हम आगे इससे आगे डिस्कस करें। sure. ठीक है, तो कल लूप को इससे आगे हम करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। ओके सर, मेरा चार्ज कराएंगे? ठीक है, ओके okay.